कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं डेली जो है आपको कुछ ना कुछ जरूर देता हूँ। आप लोग अपना प्रेम और स्नेह बनाए रहिए और जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मुझे जो भी मानते हो आप, अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, मित्र जो भी मानते हो, तो अपने मित्र का, अपने छोटे भाई का, अपने बड़े भाई का सहयोग जरूर करें। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आरओ का पानी बना जन का दुश्मन, ऐसा क्यों है? WHO की जो रिपोर्ट थी उसमें भी जो है, तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के पहले हमारी जो है रीजनिंग की एक महामैराथन चली है, जिसमें एक चैप्टर पूरा, क्लॉक चैप्टर पूरा मैंने उसमें खत्म किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और अभी कल जो है अर्थात रविवार को आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस अर्थात मैथ की महामैराथन मिलेगी, जिसमें पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आरओ का पानी बना जान का दुश्मन। तो आखिर क्या है, क्यों है, कैसे है, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं सेट कर दूं। हाँ, अब चलते हैं। तो आरओ का पानी बना जान का दुश्मन मतलब पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई आधुनिक सूचना, जिसमें आरओ प्लांट्स के निर्माताओं और घरों में आरओ वाटर प्यूरिफायर्स के प्रयोग को निषिद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई ये सूचना राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा दिल्ली में आरओ वाटर फिल्टर के उपयोग को रोकने को लेकर जारी आदेश की वजह से आई है। NGT के मुताबिक आरओ प्लांट्स में पानी की काफी बर्बादी होती है। प्यूरिफायर मशीनों के निर्माताओं ने यह याचिका के द्वारा इस आदेश को चुनौती दी थी कि इस याचिका को वजह से रोकना और आरओ द्वारा पानी में TDS की कटौती को रोकता है। फिर वहीं अगर हम आगे बात करें तो आरओ प्लांट्स के जरिए कुछ खास रसायन, लाभकारी बैक्टीरिया और साल्ट खत्म हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आरओ से प्यूरिफाई किया जाता है, आरओ का पानी मतलब जब पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, तो आरओ प्लांट्स जो होते हैं उनके जरिए कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण रहती है हमारे शरीर के लिए वो खत्म हो जाती हैं, जैसे खास रसायन, लाभकारी बैक्टीरिया और साल्ट खत्म हो जाते हैं, सेहत के लिए जरूरी होते हैं। ये तीनों चीजें जो है सेहत के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन जब उसको प्यूरिफाई किया जाता है तो ये सब खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होने वाले आरओ प्यूरिफायर्स पानी को साफ करने में 80% पानी बर्बाद कर देते हैं। मतलब कि पानी का नुकसान ज्यादा होता है, पानी की बर्बादी ज्यादा होती है। और जैसे कि पता है कि वह दिन दूर नहीं जब राशन कार्ड पर मिलेगा एक गिलास पानी, अर्थात पानी की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है। फिर वहीं अगर हम आगे बात करें तो कई शोध से पता चला है कि पानी को साफ करने के लिए लाभकारी खनिज जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पानी से हट जाते हैं। इस निर्देश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इन फिल्टरों को तभी बैन किया जा सकेगा जब घरों में पानी की आपूर्ति भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंड के मुताबिक हो। मतलब कि जो इन फिल्टर, मतलब कि जो ये आरओ फिल्टर वाले हैं, इन फिल्टरों को तभी बैन किया जा सकेगा जब घरों में पानी की आपूर्ति भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंड के मुताबिक हो, नहीं तो इसे बैन नहीं किया जा सकेगा। आगे चर्चा करते हैं तो पिछले साल भारतीय मानक ब्यूरो ने घरों में आने वाली पानी की गुणवत्ता के आधार पर भारत के शहरों को रैंकिंग प्रदान की। इन रैंकिंग में जहां मुंबई सभी मानकों को पूरा करके पहले स्थान पर रहा, तो वहीं दिल्ली इस रैंकिंग में आखिरी स्थान पर मिला। मतलब क्या हुआ कि 28 टेस्ट मानकों में दिल्ली 19 मानकों, चेन्नई 9 मानकों और कोलकाता 10 मानकों पर
खरा नहीं उतर पाया। मतलब क्या हुआ कि 28 टेस्ट मानक में दिल्ली, 19 मानक चेन्नई, 9 मानक और कोलकाता जो था वो 10 मानक पर खरा नहीं उतर पाया। वहीं अगर हम आगे बात करें तो नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के मुताबिक 7.0% जल आपूर्ति दूषित है। एक गैर लाभकारी संस्था वाटर एंड द्वारा जारी गुणवत्ता सूचकांक की रैंकिंग में भारत को 122 देशों की सूची में 120वां स्थान मिला है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है कि जो आपका संस्था वाटर एंड द्वारा जारी गुणवत्ता सूचकांक की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 120वां स्थान मिला है। सरकार द्वारा जारी की गई सूचना में खास तौर पर व्यावसायिक जल आपूर्तिकर्ताओं के लिए नियमों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा जल उपभोक्ताओं को जल गुणवत्ता, एक मिनट रुक जाइएगा, इसके अलावा जल उपभोक्ताओं को जल गुणवत्ता की खास सूचना TDS के बारे में जानकारी मुहैया कराना भी इन दिशा निर्देश का मकसद है। इन दिशा निर्देशों का मकसद ये भी सुनिश्चित करना है कि 2022 के बाद 25% से ज्यादा शोधित पानी बर्बाद न हो और शोधन के बाद निकले हुए पानी का अन्य कार्यों जैसे बागवानी आदि में इस्तेमाल हो सके। मतलब कि चूंकि जब RO का पानी जहां पे फिल्ट्रेशन होता है वहां पर जो है काफी पानी बर्बाद किया जाता है, तो वही चीज बताया गया कि पानी को बर्बाद ना किया जाए तथा इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि बाद में किसी अन्य कार्य में भी उसका इस्तेमाल लाया जा सके। तो ये चीज थी, आगे देखते हैं। तो इस निर्देश के अनुसार जिन जगहों पर पानी में टोटल डिजॉल्ट सॉलिड्स, ठीक, मतलब टोटल डिजॉल्व्स सॉलिड्स TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां RO सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। मतलब कि जहां पर TDS अर्थात टोटल डिजॉल्व सॉलिड की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है वहां पर RO लगाने के लिए रोक दिया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे देखते हैं, NGT के मुताबिक अगर TDS का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो RO सिस्टम उपयोगी नहीं होगा, बल्कि पानी में मौजूद महत्वपूर्ण खनिजों की हानि के साथ साथ पानी की बर्बादी भी होगी। WHO के अध्ययन के अनुसार 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे के TDS स्तर वाले जल को उत्कृष्ट और 900 मिलीग्राम प्रति लीटर वाले TDS स्तर वाले जल को खराब और 1200 मिलीग्राम से ऊपर के TDS स्तर वाले जल को अस्वीकार्य माना गया है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि किस TDS को सबसे अच्छा माना गया है, तो जो 300 मिलीग्राम प्रति लीटर के नीचे TDS स्तर वाले हैं उनको उत्कृष्ट या सबसे अच्छा माना गया है, उसके बाद 900 मिलीग्राम है, फिर 1200 मिलीग्राम को सबसे खराब माना गया है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो अधिकतर पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम हर शहर में नगर पालिका, नगर निगम द्वारा किया जाता है, परंतु पानी को साफ करने के बारे में कम जानकारी और संसाधन की कमी की वजह से नगर पालिका, नगर निगम अपना दायित्व तो पूरी तरह से निभा पाते हैं। यह स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। यही कारण है कि आज ज्यादातर लोग अपने घरों में वाटर प्योरिफायर लगातार साफ पानी ले रहे हैं। वहीं जल की शुद्धिकरण में मुख्य रूप से फिल्ट्रेशन तथा असंक्रमण यानी कि अल्ट्रावायलेट क्लोरीनेशन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में सस्पेंडेड सॉलिड्स बड़े रगैनिज्म पेपर तथा कपड़े के बारीक बारीक टुकड़े, धूल के कण इत्यादि को जल से अलग किया जाता है। घरेलू स्तर पर इन फिल्टरों में विशेष पदार्थ की झिल्ली यानी कि मेम्ब्रॉन
या कार्ट्रीज का प्रयोग किया जाता है तथा इसे एक बंद तंत्र में स्थापित किया जाता है। ये फिल्टर विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं। तो कौन कौन सा साइज है, देखिए, माइक्रो फिल्टर तथा अल्ट्रा फिल्टर। माइक्रो फिल्टर 0.04 से 1.0 माइक्रोमीटर साइज के कणों तथा माइक्रो फिल्टर या माइक्रोब्स को जल से अलग करता है। किसी भी फिल्टर से फास्फोरस नाइट्रेट तथा भारी धातुओं के आयनों को पानी से दूर नहीं किया जा सकता है। सामुदायिक स्तर पर जल शुद्धिकरण हेतु स्लो सैंड फिल्टर तथा रैपिड सैंड फिल्टर, दो चीज है, एक तो स्लो सैंड फिल्टर और एक रैपिड सैंड फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो नगर पालिका नगर निगम स्तर पर किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि RO जिसको बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब RO प्रक्रिया का इस्तेमाल आज सबसे अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। भाई जिसको देखिए वही आरओ 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 करता रहता है। तो आरओ का मतलब कि देखिए शुद्ध पानी तो पीना ही चाहिए, क्योंकि शुद्ध पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है वहां भी इसे लगा दिया जाए। ठीक, तो मतलब क्या है कि आज सबसे अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जल को एक प्रेशर द्वारा एक अर्धपरागम झिल्ली से पार कराया जाता है। इस प्रक्रिया में जल में उपस्थित अधिक सांद्रता वाले विलेयता झिल्ली के एक तरफ रह जाते हैं और तथा शुद्ध जल झिल्ली को पार कर जाता है। एक आरओ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल 2 से 5 सालों तक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया की विशेषता यह है कि यह पानी में मौजूद तकरीबन सभी अकार्बनिक आयनों, गंदलापन तथा बैक्टीरिया एवं पौधोजन को भी पानी से हटा देते हैं, पैंथोजन है। पर यह तकनीक बहुत अधिक खर्चीली है और साथ साथ इस प्रक्रिया में जल शुद्धिकरण में बहुत अधिक पानी की बर्बादी होती है। पानी में मौजूद बैक्टीरिया कई तरह के रोगों की वजह बनता है। पानी को पीने लायक बनाने के लिए कुछ खास रसायनों जैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरोमीन, ओजोन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। पर क्लोरीन और इससे अन्य यौगिकों के इस्तेमाल से कई और पदार्थ ट्राईहैलोमीथेन या हैलो एसिटिक एसिड पैदा हो जाते हैं, तो जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। ओजोन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग असंक्रमण के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आज बाजार में उपलब्ध वाटर प्योरीफायरों में उपरोक्त बताई गई तकनीकों के प्रयोग के अनुसार कंपनियां बड़ी बड़ी कीमतें वसूल कर रही हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पीने के पानी हेतु निर्धारित मानकों के मुताबिक अगर पानी में टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड यानी कि TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते इस पानी में कोई विशेष अशुद्धि ना हो। RO वाटर प्योरीफायर के इस्तेमाल से TDS 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पर आ जाता है। आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में कैल्शियम की मात्रा कम से कम 75 मिलीग्राम प्रति लीटर तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम से कम 30 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। मतलब कि एक शुद्ध पानी अगर आप पी रहे हैं तो उसमें जो है जो आपका कैल्शियम है वो 75 मिलीग्राम प्रति लीटर और जो आपका मैग्नीशियम है वो 30 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। RO फिल्टर धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरस तथा अशुद्धियों के साथ साथ जल से नुकसानदायक रेडियो एक्टिव कणों, कार्बनिक पदार्थों, पेस्टिसाइड तथा भारी धातुओं को भी जल से दूर कर देती हैं। तो ये आज हमने जाना कि RO जो है क्या है, कैसे है और कैसे पानी को शुद्ध किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि कल की क्लास
अर्थात महामैराथन मैथ की जरूर देखें, ठीक रविवार सुबह 10 बजे। और इसी के पहले जो है एक क्लास चली है कैलेंडर की, तो आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ हमारे द्वारा दिया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। अपने बड़े भाई छोटे भाई मित्र जो भी मानते हों सहयोग जरूर करना, आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ। धन्यवाद।